हमारी जो सैलरी है वो पर डे के हिसाब से कोई छुट्टी होती है दीपा यहाँ तक कि दीपावली पर भी हमें लोगों की दिवाली खुश होती है, लेकिन हमारी दिवाली काली दिवाली मनाई गई क्योंकि हमें छुट्टी का एक भी रुपया नहीं दिया जाता और हमें जो भी सैलरी मिलती है वो वर्किंग डे के हिसाब से। हम ओवर एज हो चुके हैं, डीएसएसपी में अप्लाई भी नहीं कर सके हैं, इसलिए सरकार से मांग है कि हमें रेगुलर किया जाए और हमें समान का एक सा वेतन दिया जाएगा। जितना वेतन रेगुलर टीचर्स को मिलता है उतना ही दिया जाएगा और जो कॉन्ट्रैक्ट पे उनको रेगुलर किया जाएगा। एक पैसा दिया है, एक बात ये बताएं, मैं पंजाब में भी यही रोता रहता हूं कि बजटरी एलोकेशन करो और नीति योजनाबद्ध तरीके से विकास करो। तो बताओ आपकी कौन सी नीति है? ना नीति है ना नियत है। देवताओं की नियत में भी फर्क अगर आ जाए तो नजारा चाहे जन्नत का क्यों ना हो गर्क हो जाएगा। तुमने गर्क कर दिया, 22,000 गेस्ट टीचर्स को तुमने बंधुआ मजदूरों की तरह रख रखा है, दिहाड़ी करवा रहे हो तुम और वहां आके लेक्चर करते हो। पहले अपना घर संभालो। पिछले चुनावों में पंजाब में बोर्ड लगा दिए थे कि हमने गैस टीचर की सैलरी डबल कर दी, क्या पिछले पंजाब की बता रहे इलेक्शनों की? पिछले पंजाब के इलेक्शंस में ये बोर्ड लगवा दिए थे कि हमने गैस टीचर्स की तनख्वाह डबल कर दी। अरे तुमने उनको 15-15 दिन के बाद कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया उनके, क्या तुमने तनख्वाह बढ़ाई? समझा? इसलिए पहले अपना घर ठीक करो फिर आके वहाँ प्रलोभन देना। ये तुम्हारा माया जाल, रेत का घर सब गिरा के जाऊंगा आज। सुनो, एक क्वेश्चन मेरा भी है भाई साहब, एक क्वेश्चन मेरा भी है। मैं नेशनल वोकेशनल एसोसिएशन से हूँ, पूरे देश का अध्यक्ष हूँ, महेश चौहान। मैं आपसे सर ये पूछता हूँ कि पंजाब में कई सालों से वोकेशनल अध्यापक आप सबके द्वार पर खड़े हैं, पिछले कई महीनों से हमारे संघर्ष चल रहे हैं और आपने कहा था कि हम उनकी समस्या को सुनेंगे। सर आपकी जो उनकी समस्या है सर कब सुनेंगे बताओ जी? मैं उनकी समस्या पूरी तरह से रोज सुनता हूँ। मैं अपनी सरकार से भी सवाल करता रहा हूँ और ये कहता रहा हूँ कि जब तक हमारी इनकम नहीं बढ़ेगी
वो जो 1000 करोड़ में पूरे हो सकते हैं और ये जो जितने भी धरने हैं वो सारे खत्म हो सकते हैं, मैं उनके पक्ष में उनके साथ खड़ा होकर बोलता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे भी आया हूँ। जब तक पॉलिसी नहीं बनेगी,